Friendly question. Who killed a pine against us from bio first year national foundation? Chapter number 2, topic number 21, nucleic acid padhenge. So let's start. Nucleic acids were first reported in 1869 by a Swiss physician when he isolated a new compound from the nuclei of सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स. स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड रिपोर्ट हुए थे 1869 में बाय अ फिजिक्स विजन व्हेन ही आइसोलेटेड कि जब उसने आइसोलेट किया था एक कंपाउंड को से रिप्लेस ऑफ पेस्ट सेल से. दिस कंपाउंड वाज नीदर अ प्रोटीन नॉर लिपिड नॉर अ कार्बोहाइड्रेट देयरफॉर इट वाज अ नोवेल टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. स्टूडेंट्स कह रहा है कि ये जो कंपाउंड था ना तो ये प्रोटीन था ना लिपिड था ना कार्बोहाइड्रेट था. सो ये क्या था कि न्यू टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल था. ही नेम दिस मॉलिक्यूल एज न्यूक्लीन. उसने इस मॉलिक्यूल को क्या नेम दिया न्यूक्लीन बिकॉज इट वॉज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट था. द बेसिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लीन वॉज डिटर्मिंड इन 1920 एंड वॉज रीनेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर. स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है और केमिकल नेचर है वो कब डिटर्मिन हुई थी 1920 में और इसका तब रीनेम करके उसका नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लीन से बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर क्योंकि ये जो है ये एसिडिक नेचर था इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट इज केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. ये जो न्यूक्लिक एसिड है इनका स्ट्रक्चर कैसा है. नाउ इट हैज बीन क्लियर्ड दैट न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज द ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड सेकंड वन इज राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए. बोथ न्यूक्लिक एसिड्स आर लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर्स. स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये दोनों जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये लीनियर हैं और अनब्रांच्ड क्या हैं पॉलीमर्स हैं. The monomers of nucleic acids are called nucleotides. Students, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि polymer क्या होता है कि a compound made from many monomers. ठीक है तो अब इसका जो monomer है nucleic acid का वो क्या है nucleotide. यानी बहुत सारे nucleotides मिलके क्या बनाएंगे एक DNA या RNA. First is composition of nucleotide. Nucleotides of DNA are called deoxyribonucleotides and of RNA are known as ribonucleotides. Students कह रहा है कि जो DNA के nucleotides हैं उनको हम deoxyribonucleotides कहते हैं और जो RNA के nucleotides हैं उनको हम ribonucleotides. Each nucleotide consists of pentose sugar, phosphate and a nitrogen containing ring structure called base. स्टूडेंट्स अपने याद रख रहे हैं कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड के तीन पार्ट्स होते हैं. कह रहा है इसके पास एक पेंटोज शुगर होती है. पेंटोज का क्या मतलब है बच्चों फाइव कार्बन शुगर ठीक है. अब फास्फेट ग्रुप होगा एंड अ नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर होगा और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या कहेंगे बेस. द पेंटोज शुगर इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इज डीऑक्सीराइबोज एंड इन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इज राइबोज. स्टूडेंट्स आप कह रहे हैं कि जो पेंटोज शुगर है यानी जो फाइव कार्बन वाली शुगर है वो भी डीएनए के केस में क्या होगी वो डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए की केस में वो जो पेंटोज शुगर है वो क्या है राइबोज है. फास्फोरिक एसिड इज अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ बोथ न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच प्रोवाइड एसिडिक प्रॉपर्टीज टू डीएनए एंड आरएनए. स्टूडेंट्स जो फास्फोरिक एसिड है वो कॉमन कंपोनेंट है बोथ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट डीएनए का भी और आरएनए का भी जो क्या करता है जो एसिडिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है डीएनए को और आरएनए को. द नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर आर कॉल्ड बेसिस बिकॉज ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अ नाइट्रोजन एटम व्हिच कैन दस एक्वायर अ प्रोटॉन. क्या बच्चों देख सकते हैं फिगर 2.34 में स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है हमें. देखिए तीन कंपोनेंट्स है. सबसे पहले आपको ये सेंटर में नजर आ रही है फाइव कार्बन पेंटोज शुगर. ये क्या है शुगर ठीक है. इसके कार्बन नंबर वन पे क्या अटैच है नाइट्रोजिनस बेस.
अटैच है? नाइट्रोजिनस बेस। और इसके कार्बन नंबर 5 पे क्या अटैच है? फास्फेट ग्रुप। क्या अटैच है? फास्फेट ग्रुप। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट्स हैं, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजिनस बेस एंड शुगर, तीन कंपोनेंट्स हैं किसके? स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड के। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड विद वन प्राइम कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, सच कम्बिनेशन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। स्टूडेंट्स कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में सबसे पहले क्या होता है? जो नाइट्रोजिनस बेस है वो पहले लिंक हो जाती है वन प्राइम कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, यानी जो पेंटोज शुगर है उसके कार्बन नंबर 1 के साथ क्या अटैच हो जाती है या लिंक हो जाती है? नाइट्रोजिनस बेस। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन होती है तो क्या आप ना लेती हैं? न्यूक्लियोसाइड, यानी शुगर प्लस फॉस्फेट शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस मेक्स न्यूक्लियोसाइड, कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। व्हेन अ फॉस्फोरिक एसिड इज लिंक्ड विद 5 प्राइम कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर द न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म। उसके बाद कह रहा है कि जब फॉस्फोरिक एसिड लिंक होता है 5 प्राइम कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म। A nucleotide with one phosphoric acid is called nucleoside monophosphate, with two phosphoric acid is called nucleoside diphosphate, and with three phosphoric acid is called nucleoside triphosphate. Students क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड के साथ अगर एक ही फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट है। अगर दो फॉस्फेरिक एसिड अटैच होंगे तो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, एंड थ्री फॉस्फेरिक एसिड अटैच होंगे तो हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट देखें टॉपिक बच्चों, नाइट्रोजिनस बेसिस इन न्यूक्लियोटाइड के। हमने पढ़ा ना कि न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट्स हैं, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस। अब हम देखेंगे नाइट्रोजिनस बेसिस कौन कौन सी होती है न्यूक्लियोटाइड में। देयर आर टू मेजर क्लासेस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। कह रहा है नाइट्रोजिनस बेसिस की भी दो मेजर क्लासेस हैं, आई सिंगल रिंग पायरिमिडीन एंड डबल रिंग प्यूरीन। ऐसी बेसिस जिनके अंदर सिंगल रिंग प्रेजेंट है उनको हम क्या कहेंगे? पायरिमिडीन। और जिनके अंदर डबल रिंग प्रेजेंट हो गई वो उसको हम क्या कहेंगे? ये कौन सी बेसिस हैं? ये प्यूरीन हैं। पायरिमिडीन बेसिस आर ऑफ थ्री टाइप्स। जो पायरिमिडीन है वो तीन तरह की बेसिस हैं, कौन कौन सी? साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल। कौन कौन सी हैं? पायरिमिडीन बेसिस आर ऑफ थ्री टाइप्स, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल। थायमीन इज ऑनली फाउंड इन डीएनए व्हाइल द यूरासिल इज ऑनली फाउंड इन आरएनए। स्टूडेंट्स कह रहा है इन तीनों में से जो थायमीन है वो सिर्फ डीएनए में पाई जाती है, जो यूरासिल है वो सिर्फ आरएनए में पाई जाती है। यानी जो यूरासिल नाइट्रोजनस बेस है वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होगी और जो थायमीन वाली है वो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होगी। द प्यूरीन बेसिस जो है वो आर ऑफ टू टाइप्स, एडिनिन एंड गवानिन। आप देख सकते हैं बच्चों फिगर 2.35 में कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हमें शो किए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा था पेंटोज शुगर होती है, तो पेंटोज शुगर डीएनए के केस में कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोस। तो डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, ये देखेंगे 5 कार्बन शुगर है और ये किस में पाई जाती है? डीएनए में। नेक्स्ट है राइबोस और वो पाई जाती है आरएनए में। ठीक है, ये भी क्या है? पेंटोज शुगर है। लेकिन आप देखें दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? मोस्टली सिमिलर है। जो कार्बन नंबर 2 है उसके डाउनवर्ड डीऑक्सीराइबोस में हाइड्रोजन प्रेजेंट है जबकि राइबोस में ओएच ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन बेसिस। पायरिमिडीन्स हमने पढ़ी है, 3 है साइटोसिन, ये पहला साइटोसिन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट यूरासिल का है विच इज फाउंड ऑनली इन आरएनए, उससे नेक्स्ट थायमिन का है विच इज फाउंड ऑनली इन डीएनए। नीचे देखें प्यूरीन्स में एडिनिन और गवानिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। द न्यूक्लियोटाइड्स विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए और आरएनए मस्ट कंटेन 3 फॉस्फेट्स, बट ड्यूरिंग देयर इनकॉर्पोरेशन इनटू डीएनए और आरएनए पॉलीमर ईच न्यूक्लियोटाइड लूजेस इट्स टू टर्मिनल फॉस्फेट। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स
इन्होंने भी फॉर्मेशन ऑफ डीएनए और आरएनए में पार्टिसिपेट करना है, उनके पास मस्ट 3 फॉस्फेट्स होने चाहिए, ठीक है, यानी वो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट होना चाहिए। बट ड्यूरिंग देयर जब उन्होंने कॉर्पोरेट होना होता है डीएनए आरएनए में, तो तब वो क्या करता है, अपने दो जो टर्मिनल फॉस्फेट होता है उनको लूज कर देता है, तब उसके पास एक ही फॉस्फेट होता है। डिफरेंट टर्म्स यूज्ड फॉर न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर गिवन इन टेबल 2.7। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, आप पेज में टेबल 2.7 दिया हुआ है हमें, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए गिवन है। सबसे पहले हमें नाइट्रोजनस बेसिस गिवन है, एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन। अच्छा बेटा, एक और भी आपने जो बात याद रखनी है, जो एडिनिन, गवानिन और साइटोसिन बेसिस है ना, ये डीएनए और आरएनए में कॉमन है और दोनों प्रेजेंट होती हैं। डिफरेंस आता है सिर्फ फोर्थ बेस में, जिसमें जो यूरासिल होती है वो आरएनए में होती है और थायमिन जो होती है वो किस में होती है, डीएनए में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है हमें आरएनए, उसके भी हमने न्यूक्लियोसाइड्स भी देखने हैं, उसके न्यूक्लियोटाइड्स भी देखने हैं और डीएनए के भी न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स देखने हैं। आरएनए राइबोन्यूक्लियोसाइड्स, राइबोस प्लस बेस, एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, राइबोस शुगर भी होगी, प्लस बेस होगी, प्लस फॉस्फेट ग्रुप होगा। अब देखें जो एडिनिन है उसके राइबोन्यूक्लियोसाइड क्या होगा, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन एंड यूरिडीन, और इसके राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अगर एक फॉस्फेट ग्रुप है। एएमपी, एडीपी और एटीपी का क्या मतलब है बच्चों, ए फॉर एडिनोसिन, एम फॉर मोनो, पी फॉर फॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, अगर एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, अगर दो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट, अगर तीन फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह यूएमपी, यूडीपी एंड यूटीपी फॉर यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट एंड यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब हम देख लेते हैं डीएनए की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस बेस, तो इसको हम कहेंगे डी एडिनोसिन, डी ग्वानोसिन, डी साइटिडीन एंड डी थाइमिडीन। और इसके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कौन से होते हैं, डीऑक्सीराइबोस प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, तो इसमें आ जाएंगे डीएएमपी, डीएडीपी, डीएटीपी। स्टूडेंट सिमिलर टू आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, डीएएमपी फॉर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह डी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डी ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, डी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट एंड साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, एंड लास्ट वन इज थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडीन डाइफॉस्फेट एंड थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कह रहा है जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी पॉलीमराइजेशन कैसे होती है न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड्स आर आल्सो जॉइंड टुगेदर बाय अ कंडेंसेशन रिएक्शन लाइक बाय अदर बायोमोलेक्यूल्स। स्टूडेंट्स कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड्स भी आपस में जॉइन होते हैं थ्रू अ कंडेंसेशन रिएक्शन लाइक अदर बायोमोलेक्यूल्स। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जैसे प्रोटीन्स का जो मोनोमर है वो क्या है, अमीनो एसिड, तो बहुत सारे अमीनो एसिड थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन जॉइन होते हैं। इसी तरह जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो भी जॉइन होते हैं थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन। Unlike proteins, carbohydrates and lipids, however, the molecule that is released is not water, but pyrophosphate, two phosphate groups bound together. But कह रहे कि इसकी condensation में बाकी तीनों जो biological molecules हैं carbohydrates, proteins और lipids की condensation में क्या difference है कि उनमें अगर condensation होती है, दो molecules join होते हैं, monomers join होते हैं, तो water साथ में release होता है। इसमें कह रहे water molecule release नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह क्या release होता है, pyrophosphate, pyrophosphate के two phosphate groups bound together. Mechanism of polymerization of nucleotide can be described in following steps. कह रहे जो इसका mechanism है polymerization of nucleotide का, उसको हम following steps से describe कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं students figure 2.36 में polymerization of nucleotides दी हुई है, ठीक है। ये देखें एक growing polynucleotide chain है, ठीक है,
ये कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ है तो उसके बीच नतीजे में उनके बीच में क्या बन गया, फास्फोडाइस्टर लिंकेज बन गई है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप एट 5' ऑफ प्रीकर्सर न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एनटीपी इज हेल्ड क्लोज टू द फ्री ओएच ग्रुप एट 3' ऑफ लास्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ ग्रोइंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन टू फॉर्म अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड्स। स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है 5' पे वो क्लोज होता है टू द फ्री ओएच ग्रुप एट 3' ऑफ लास्ट न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। मीनवाइल द बॉन्ड बिटवीन द अल्फा एंड बीटा सेकंड फॉस्फेट ग्रुप ऑफ एनटीपी ब्रेक्स एंड अ पाइरोफॉस्फेट ग्रुप इज लिबरेटेड। द पाइरोफॉस्फेट ग्रुप इज हाइड्रोलाइज्ड स्प्लिट बाय एडिशन ऑफ वाटर रिलीज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी व्हिच ड्राइव द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन फॉरवर्ड टू कंप्लीशन। इन दिस वे न्यूक्लियोटाइड्स बिगिन टू लिंक बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स एंड अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज फॉर्म्ड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैव अ फ्री 5' फॉस्फेट ग्रुप एट वन एंड एंड अ फ्री 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द अदर एंड। बाय कन्वेंशन दीज सीक्वेंसेस आर नेम्ड फ्रॉम 5' टू 3'। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल नेचर एंड रोल ऑफ एटीपी एंड एनएडी। कि जो एटीपी है और एनएडी इनकी केमिकल नेचर क्या है और इनका रोल क्या है। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ मोनोन्यूक्लियोटाइड। स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो एटीपी है ये क्या है, एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है। नेक्स्ट शोन इन फिगर 2.35 एटीपी हैज थ्री पार्ट्स। एटीपी के तीन पार्ट्स है कनेक्टेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट क्या होगा, एक इसमें एडिनिन है नाइट्रोजनस बेस, देन एक राइबोस शुगर, देन थ्री फॉस्फेट्स। द टू कोवेलेंट बॉन्ड्स लिंकिंग द थ्री फॉस्फेट्स टुगेदर आर कॉल्ड हाई एनर्जी बॉन्ड। अब ये देखिए जो तीन फॉस्फेट ग्रुप को आपस में ज्वाइन करने के लिए जो बॉन्ड्स हैं, दो कोवेलेंट बॉन्ड्स, उनको हम हाई एनर्जी बॉन्ड्स कहेंगे। एटीपी कैन बी कन्वर्टेड टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाय हाइड्रोलाइसिस। अच्छा बच्चों वो कह रहा है कि जो एटीपी है हम उसको एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बाय हाइड्रोलाइसिस। यानी एटीपी का अगर हम वाटर ऐड करें तो वो ब्रेक हो जाएगा, उसमें से एक जो फॉस्फेट ग्रुप है वो उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा, तो उसके पास दो फॉस्फेट बचेंगे। तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी फॉस्फेट वो रिलीज होगा। ATP is known as the energy currency of cell. ATP को क्या कहते हैं हम, energy currency of cell. Next is NAD. NAD stand for nicotinamide adenine dinucleotide. Consist of two nucleotides. कह रहा है इसके पास दो क्या आते हैं, nucleotides. One nucleotide consist of nicotinamide. कह रहा है एक nucleotide के पास क्या होता है, nicotinamide होता है, sugar and phosphate. Other nucleotide consist of adenine, sugar and phosphate. The two nucleotides are joined by their phosphate group forming a dinucleotide. NAD is a coenzyme. कह रहा है ये एक coenzyme है। बच्चों आप देख सकते हैं figure 2.37 में structure of ATP दिया हुआ है। देखें ATP है adenosine triphosphate. तो triphosphate से आपको पता चला है tri means three, phosphate means phosphate group. तो इसमें तीन phosphate group हैं, adenosine for एडीनी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में एटीपी का फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट है, राइबोस शुगर है और एडीनिन बेस है। अगर देखें राइबोस और एडीनिन हाली आपस में लिंक हो तो हम इसको क्या कहेंगे, एडीनोसिन। और एडीनोसिन के साथ अगर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो एडीनोसिन मोनोफॉस्फेट, अगर दो ग्रुप अटैच है, दो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो एडीनोसिन डाइफॉस्फेट, अगर तीन फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आप देखें बच्चों फिगर 2.38 में स्ट्रक्चर ऑफ एनएडी दिया हुआ है, इसमें हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में आप देख सकते हैं ये ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर आपको नजर आ रही होगी, एडिनिन बेस है और साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप है, जबकि जो नीचे वाला उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है और साथ में हमारे पास क्या है, शुगर
एडिनिन, ठीक है, निकोटिनामाइड था ऊपर में, सॉरी, ठीक है, एडिनिन। तो और ये दोनों आपस में ज्वाइन हुए, दो न्यूक्लियर टाइज, तो इन्होंने क्या बना लिया, एनएडी, जो कि क्या है, कोएंजाइम। नेक्स्ट है बच्चों, पैटर्सन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। बच्चों आप ये मॉडल जो है आगे भी पढ़ चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में। डीएनए की डिस्कवरी के बाद जब पता चला कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, उसके बाद पैटर्सन और क्रिक ने एक मॉडल प्रेजेंट किया डीएनए का, कि डीएनए का स्ट्रक्चर एक्चुअली है कैसा। इन 1951 एरविन टारगल फाउंड दैट द नाइट्रोजन स्पेसिस इन डीएनए का स्पेसिफिक डेवलप एंडोजेनस बेसिस चार पहुंची हुई, एडिनिन गवानिन साइटोसिन तो सिमिलर एंड यूरासिल का थी, ठीक है, थायमिन की जगह क्या थी, यूरासिल। तो उसने कहा कि जब उसने डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया, उसने देखा कि जो नाइट्रोजनस उसने कहा कि जो एडिनिन की अमाउंट है वो इक्वल टू होती है अमाउंट ऑफ थायमिन ऑलवेज, ठीक है, कि जितनी अमाउंट में एडिनिन बेसिस प्रेजेंट है उतनी थायमिन प्रेजेंट है। इसी तरह उसने कहा कि जो साइटोसिन बेसिस है वो इक्वल है इन अमाउंट टू दैट ऑफ थायमिन। तो उसने कहा कि इसका मतलब है जो टोटल प्यूरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स है वो 1:1 में प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इस कंक्लूजन को हम क्या कहते हैं, चार्गोस रूल। इन दोस डेज द एक्सरे डिफ्रेक्शन एनालिसिस ऑफ डीएनए बाय मॉरिस विल्कंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन वाज पब्लिश्ड। उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि जो एक्सरे डिफ्रेक्शन एनालिसिस की थी डीएनए के, किस किस ने, मॉरिस विल्कंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, वो भी पब्लिश होगी। द फर्स्ट टाइम क्लेम दैट डीएनए इज डुप्लेक्स डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल। फर्स्ट टाइम सबसे पहले इन्होंने क्लेम किया कि जो डीएनए है वो एक डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है। द विड्थ ऑफ डुप्लेक्स इज 2 नैनोमीटर व्हाइल द लेंथ ऑफ ईच टर्न इज 3.4 नैनोमीटर। उन्होंने कहा कि जो डुप्लेक्स की विड्थ है वो 2 नैनोमीटर है और जो लेंथ है एक टर्न की वो 3.4 नैनोमीटर है। In 1953, on the basis of these observations, a graduate student Francis Crick and a research fellow James Watson of Cambridge University proposed a physical model of DNA, which is now called Watson and Crick model of DNA. अच्छा, ये जो रोजलैंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्कंस ने पब्लिश की, इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे जो फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वैटसन थे, इन्होंने क्या किया, एक फिजिकल मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज किया, जिसको हम वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं। अब इस मॉडल में उन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अ डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स व्हिच आर अटैच्ड टुगेदर बाय बेस पेयर। इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो डीएनए है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है और वो दोनों आपस में अटैच होती हैं थ्रू बेस पेयर्स। इन ऑर्डर टू मेक बेस पेयरिंग द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अब कह रहा कि बेस पेयरिंग करने के लिए जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज होती हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। अगर एक जो हमने कह रहा कि एक डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज है, तो कह रहा कि अगर एक जो चेन है वो 5 to 3 प्राइम डाउनवर्ड है तो दूसरी 5 to 3 अपवर्ड होगी, ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन होगी। I one chain runs from 5 prime to 3 prime downward and other chain runs from 5 prime to 3 prime upward. Both chains show a constant width of 2 nanometer. Therefore, both chains are supposed to be anti-parallel to each other. The base pairing is very specific. इसके अलावा उसने कहा कि जो बेस पेयरिंग है वो बहुत स्पेसिफिक होती है। आई एडिनिन मेक्स पेयर विद थायमिन, कि जो एडिनिन है वो हमेशा पेयर बनाएगा थायमिन के साथ, एंड गवानिन विद साइटोसिन।
बेस पेयर आर हेल्ड टूगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो इनका बेस इसका आपस में पेयर बनता है, जैसे एडीनिन और थाइमिन का और गवानिन और साइटोसिन का, इनको आपस में जोड़ के कौन रखता है? हेल्ड टूगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, इनको आपस में जोड़ के रखता है हाइड्रोजन बॉन्ड। देर आर थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन गवानिन एंड साइटोसिन एंड टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडीनिन एंड थाइमिन। उसके अलावा उसने ये कहा कि जो थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन गवानिन एंड साइटोसिन, और जो टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन एडीनिन एंड थाइमिन बेसिस। ईच टर्न ऑफ डुप्ले कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर। और कह रहा है उसने कि जो डुप्ले एक टर्न है उसमें 10 बेस पेयर हैं। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कम्प्लीमेंट्री टू इच अदर। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सिक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। अ सिक्वेंस कैन वेरी इन काउंटलेस वेज। द सिक्वेंस इज स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स एंड इवन इंडिविजुअल्स। ये आप देख सकते हैं बच्चों ऊपर फिगर 2.39 में वेटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए दिया हुआ है। इसमें ए वाली फिगर देखें, ये एक की फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स दिए हुए हैं। देखिए ये आपको दो चेन्स नजर आ रही हैं, ये ब्लू वाली, ये टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, ठीक है। अब ये डुप्लेक्स की फॉर्म है डीएनए, ठीक है। अब ये आपस में ट्विस्ट हुई है, और अब देखें तो डिफरेंट क्या टर्न्स बनाए हुए हैं। जो एक टर्न है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3.4 नैनोमीटर, और ये डुप्लेक्स की विड्थ है वो है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि आपको ये सी बॉन्ड जी, जी बॉन्ड सी, ए बॉन्ड टी, टी बॉन्ड ए, ये बेस पेयरिंग नजर आ रहा है, ठीक है। ये बेस पेयर हैं, ये दोनों जो स्टैंड हैं आपस में जाने थ्रू बेस पेयर, और बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ये डॉटेड लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सी और जी हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है। और साइटोसिन और गवानिन के बीच में थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, एडीनिन और थायमिन के बीच में टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इसकी जो विड्थ होती है वो 2 नैनोमीटर होती है, ठीक है। उसके अलावा ये देखें बी में पार्शियल केमिकल स्ट्रक्चर अगर आप गौर से देखें तो जो इसकी बैकबोन है डीएनए की वो क्या है, फास्फेट पेंटोज शुगर है, ठीक है। उसके साथ फास्फेट ग्रुप से अटैच है, बीच में आपको देख रहे हैं टी ए जी सी, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस, इन्होंने आपस में बोन। ये आप देखें जी और सी के बीच में थ्री आपको डॉटेड लाइन शो, यानी थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी के बीच में आपको टू डॉटेड लाइन नजर आ रहे हैं, यानी टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है इसका केमिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज बच्चो डीएनए हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड आर आरएनए। आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। इट इज द डिटेल्ड केमिकल नेचर हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस टॉपिक। अनलाइक डीएनए आरएनए इज जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, डीएनए और आरएनए में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो डीएनए वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, जबकि आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, इसमें एक ही स्ट्रैंड होता है। एंड डज नॉट फॉर्म अ डबल हेलिक्स लाइक डीएनए। हाउएवर सम रीजन ऑफ डीएनए आर एन ए शो अ स्कैंडी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इन कम्प्लीमेंट्री रीजन। देर आर थ्री मेजर क्लासेज ऑफ आर एन एच विद अ स्पेशल फंक्शन इन प्रोटीन सेंसेज। उसके अलावा बच्चों कह रहे हैं आर एन ए की थ्री टाइप्स हैं, और तीनों का क्या एक स्पेशल फंक्शन है प्रोटीन सेंसेज में। दीज आर एन एज आर ट्रांसक्राइब फ्रॉम डी एन ए टेम्पलेट। नेक्स्ट है बच्चों रोल्स एंड टाइप्स ऑफ आर एन ए। आर एन ए की टाइप्स कितनी है और उनके रोल क्या है। फर्स्ट टाइप इज मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए। एमआरएनए कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ। इट्स लेंथ डिपेंड ऑन द साइज ऑफ जीन एज वेल एज द प्रोटीन फॉर विच इट इज टेकिंग मैसेज। स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो एमआरएनए है सिंपली क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ है, ठीक है। इसकी लेंथ डिपेंड करती है एक तो साइज ऑफ जीन पे, दूसरा जो प्रोटीन जिसके लिए मैसेज ले रहा है उसके साइज पे। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 100 अमीनो एसिड द मैसेंजर आरएनए विल हैव द लेंथ ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा है कि अगर उसने वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ 100 अमीनो एसिड के लिए मैसेज लेके जा रहा है तो उसके न्यूक्लियोटाइड्स कितनी होगी, उसकी न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ होगी 3 अमीनो। एक्चुअली एवरी 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए कोड अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। वो क्यों, क्योंकि बच्चों
जो थ्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कोड करते हैं, यानी इनकोड करते हैं एक अमीनो एसिड के लिए। सच ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड अलोंग द लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए आर कॉल्ड कोडॉन ऑफ जेनेटिक कोड्स। एमआरएनए इज अबाउट 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए इन सेल। मैसेंजर आरएनए टेक्स द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म ऑफ टू फॉर्म पार्टिकुलर प्रोटीन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। बच्चों जो मैसेंजर आरएनए था ये 3 to 4% होता है ऑफ टोटल आरएनए, और ये करता क्या है, ये जेनेटिक मैसेज लेके जाता है न्यूक्लियस से राइबोसोम के पास टू फॉर्म पार्टिकुलर प्रोटीन की ये स्पेसिफिक प्रोटीन बनानी है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। नेक्स्ट इज राइबोसोमल आरएनए आर आर आरएनए। राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोमल आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड बाय जीन्स प्रेजेंट ऑन डीएनए ऑफ सेवरल क्रोमोसोम। इट इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए बिकॉज इट एवेंचुअली बिकम्स पार्ट ऑफ राइबोसोम। द राइबोसोमल आरएनए इज पैक्ड विद अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स इनटू राइबोसोमल सब यूनिट्स। द बेस सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए इज सिमिलर फ्रॉम बैक्टीरिया टू हायर प्लांट्स एंड एनिमल। राइबोसोमल आरएनए हैव लार्जेस्ट साइज अमंग आरएनए। एप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ टोटल आरएनए कंटेंट्स आर राइबोसोमल आरएनए। इट इज पार्ट ऑफ राइबोसोम वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस। इन अदर वर्ड्स राइबोसोमल आरएनए प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट इज ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए। इट इज स्मॉलेस्ट ऑफ आरएनए एंड कंसिस्ट ऑफ 75 टू 90 न्यूक्लियोटाइड्स। आर ट्रांसफर आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बट इट शोज अ डुप्लेक्स अपीयरेंस एज इट सम रीजंस वेयर कंप्लीमेंट्री बेसिस आर बॉन्डेड टू वन अनदर। सो स्टूडेंट्स ये है सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन कुछ जगह पे ये डुप्लेक्स अपीयरेंस शो करता है जहां पे कंप्लीमेंट्री बेसिस क्या होती है, बॉन्डेड होती है एक दूसरे के साथ। इट शोज अ फ्लैट क्लोवर लीफ शेप इनटू डाइमेंशनल व्यू। इट्स 5 प्राइम एंड ऑलवेज टर्मिनेट इन गवानिन बेस। कह रहे कि जिसका 5 प्राइम एंड होगा वो हमेशा एंड कहां पे होगा, गवानिन बेस पे यानी जी पे। व्हाइल द 3 प्राइम एंड टर्मिनेटेड विद द बेस सीक्वेंस ऑफ सीसीए। अमीनो एसिड इज अटैच्ड टू ट्रांसफर आरएनए एट दिस एंड। द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरिएबल। ट्रांसफर आरएनए हैज 3 लूप्स। ये बच्चों आपने सही तरह से इसका स्ट्रक्चर समझना कि इसकी 3 लूप्स होती हैं। मिडिल लूप इन ऑल ट्रांसफर आरएनए कंसिस्ट ऑफ 7 बेसेस। मिडिल लूप के बाद 7 बेसेस होती हैं। द मिडिल 3 ऑफ व्हिच फॉर्म एंटीकोडन। उन 7 बेसेस में से भी जो मिडिल वाली 3 है वो एंटीकोडन बनाती हैं। इट इज कंप्लीमेंट्री टू स्पेसिफिक कोडन ऑफ मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट इज द डी लूप फॉर बाइंडिंग recognizes the activation enzyme। वो क्या activation enzyme को recognize करती है। theta loop recognizes the specific place on ribosome for binding during protein synthesis। there is at least one transfer RNA molecule for each of 20 amino acids found in protein। 60 transfer RNA have been identified। अभी तक 60 transfer RNA identified हो चुके हैं। however human cells contain about 45 different kind of transfer RNA molecules। E transport a specific amino acid from cytoplasm to the surface of ribosome for protein synthesis। ये बच्चों आप देख सकते हैं figure 2.40 में clover leaf model of transfer RNA। ये आपको इसकी 3 loops नजर आ रही होंगी, theta loop, D loop और middle loop। middle वाले loop में आपको 7 bases नजर आ रही होंगी और बीच वाली जो bases हैं 3 वो एंटीकोडन क्या करती हैं, कोड करती हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।